नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपना उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे तो मुख्यमंत्री सीएम धामी ने चमोली के थराली में डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, और साथ ही आपको बता दें कि कुलसारी बाजार में पैदल चलकर लोगों से उन्होंने वोट मांगे हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टमटा के लिए चुनाव प्रचार किया है। बता दें कि सीएम धामी लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश यही की जा रही है कि चुनाव प्रचार तेजी से किए जाएं, और ये डोर टू डोर कैंपेनिंग की तस्वीरें भी काफी खास है क्योंकि लोगों से घर घर जाकर वोट मांगे जा रहे हैं, अपील की जा रही है कि उनके पक्ष में वोट किए जाएं। प्रदेश के अंदर एक पूरा सभी का वातावरण इस प्रकार का बन गया है, सभी जगह जोश है, उत्साह है, और लोग 14 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत लोगों के अंदर एक उत्सुकता है कि 14 फरवरी आएगी और सब भारी भारी मतदान करेंगे। मैं आश्वस्त हूँ कि थराली विधानसभा समेत पूरे उत्तराखंड के अंदर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस आरोपताविहीन है, आपस में ही बहुत लड़ाई है और कुर्सी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, लड़ाई पहले हो गई। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, गढ़वाल लोकसभा की लोकप्रिय सांसद तीरथ सिंह जी का, मदन कौशिक जी का जो हमारे मुखिया हैं, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं थराली विधानसभा की समस्त जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो जनभावनाएं, जो आशीर्वाद आपके आपका मेरे साथ रहा, आज मैं थराली विधानसभा एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। इसी क्रम में आज हिमाचल के मुख्यमंत्री विकासनगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विकासनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं सहसपुर विधानसभा में क्षेत्रीय बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल छोटे छोटे और बड़े भाई के समान है। और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हल्द्वानी पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां बार बार आने को मन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड अटल सरकार में बना था, अटल जी की सरकार ने प्रदेश को विजन दिया था और आज मोदी जी उस विजन को पूरा कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी 2 फरवरी को उत्तराखंड दौरा करेंगी, 2 फरवरी को अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। बता दें, घोषणा पत्र को उत्तराखंडी स्वाभिमान प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया गया है। महंगाई और बेरोजगारी पर घोषणा पत्र में थीम रखा गया है, और ऐसे में आपको बता दें कि वर्चुअल रैली को भी वो संबोधित करेंगे। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में रैली का लाइव प्रसारण किया जाएगा। और अब खबर देहरादून से। कांग्रेस ने बागी नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। बता दें, बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था संजय नेगी, संजय डोभाल जैसे नेताओं को निष्कासित किया गया है, और फिलहाल बागी नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, और ये बागी नेताओं के लिए एक सजा के बराबर ही कदम उठाया गया है। निष्कासन किया गया है कांग्रेस की तरफ से बागी नेताओं को लेकर, यह बड़ा कदम उठाया है। ने बागी नेताओं पर कार्रवाई की है, 6 साल के लिए निष्कासन की कार्रवाई सामने आई है। और केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर इस बजट को देखा जाए तो आपके लिहाज से आम जनता के लिए क्या खास है इसमें? मैं तो कहूँगा कि आम आदमी के लिए ही मोदी सरकार का बजट होता है,
वो जरूरतमंद के लिए होता है, मध्यवर्ग के लिए होता है और किसान के लिए होता है। आम मजदूर से किसान तक में जितने भी हिस्से आते हैं उन्हीं के लिए होता है, और इसलिए किसी भी बजट में ए वर्ग कभी छूटे नहीं हैं। वो इस बार भी हुआ है, और इसलिए मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होने के नाते सिर्फ आभार व्यक्त करूंगा प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का। 135% वृद्धि हुई है मेरे विभाग, मेरे मंत्रालय में, और उसमें एक ही स्कीम में 1000 करोड़ से ज़्यादा PLI स्कीम में है। हमेशा हम ये कहते थे भाषणों में कि भारतीय खान पान की दुनिया में बड़ी पहचान है और रुझान भी है, लेकिन गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग हमारे लिए चुनौती थी, उस वो इस बात से पूरा होगा। दूसरा, किसान संपदा योजना जो सबसे महत्वपूर्ण, किसान उत्पादक से लेकर छोटे व्यापारी तक और FPO तक, इन सब के लिए उसमें दुगना दिया गया। दूसरी बात आती है कि दुनिया ने तय किया कि अगला वर्ष मोटे अनाज का वर्ष होगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इस मांग की पूर्ति कर सकता है। हम सिंचाई के कारण अपने मोटे अनाज के उत्पादन से दूर भागते रहे। मुझे लगता है कि जो बजट में प्रावधान है वो नाबार्ड को भी कहा गया, वित्तीय प्रावधान भी ऐसे है कि किसान को इन्वेस्ट किया जाए, किसान को इस बात के लिए पैसा दिया जाए, उत्पादन बढ़ाए वो इन बातों का, और गुणवत्ता का ख्याल करे, और साथ में पैकेजिंग को लेकर हम दुनिया की डिमांड को पूरा कर पाएं। आप कह रहे हैं आम जनता के लिए ये पूरा बजट है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार को तो मोदी सरकार बजट में भूल गई। हर घर तक 5 करोड़ परिवारों को पानी पहुंचाना, ये अगर विपक्ष को नहीं दिख रहा तो मुझे कुछ कहना नहीं है। ये 80 लाख मकान बनाकर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो करोड़ों बन गए, उसके अलावा इस वर्ष 80 लाख मकान बनाकर देना है। मुझे लगता है ये आम आदमी के लिए है, मध्य वर्ग के लिए। इसके अलावा लगातार ये विपक्ष आरोप लगा रहा था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मुमकिन है कि चुनावी बजट हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं इस बजट। बेचारे इसी बात को लेकर नाराज हैं, इसलिए आलोचना के लिए वो आलोचना ना करें, ठीक से पढ़ेंगे तो राष्ट्र के विकास में उन्हें भी शामिल होना चाहिए। आखिरी सवाल सर, ऐसा 5 चीज क्या है जो आप देश की जनता को बताना चाहेंगे इस बजट में? पहली चीज तो मैं कहूँगा कि संस्थागत विकास पर बड़ा फोकस है, और जब भी संस्थागत विकास में पैसा लगता है तो रोजगार भी देता है और समस्याओं का स्थायी समाधान देता है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो दुनिया की डिमांड होती है उसको देश पूरा करे, उसकी तैयारी होनी चाहिए। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए मैं कह सकता हूँ कि मोटे अनाज के उत्पादन जो किसान से जुड़े हैं और वो हम दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो रोजगार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा और भारत की प्रतिष्ठा भी उससे बढ़ेगी। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि ज़रूरतमंद को हर चीज़ मिलनी चाहिए। लक्षित तौर पर जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, अगर हम इसको लक्ष्य के साथ पूरा भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, ये भरोसा पैदा करना कि जो सरकार तय करती है उसे वो प्राप्त कर ले। तीसरी बात होती है कि जो चौथी बात है कि हम जब कभी नुकसान देखते हैं कि बच्चों का कोरोना में नुकसान हुआ तो हम उसकी भरपाई कैसे करेंगे, तकनीक हमारे पास है, वैज्ञानिक हैं और हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और इसलिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात एक महत्वपूर्ण बात है। पांचवी बात है कि हम हमेशा डिमांड करते थे कि हमें चाहिए, लेकिन हमने वैक्सीनेशन किया हो या वैक्सीन बनाई हो या उसको निर्यात किया हो, हम तीनों माने में अग्रणी रहे हैं। ये 5 बातें मुझे लगता महत्वपूर्ण है। उसके अलावा फिर हम अगर समुद्री उत्पादों की और देर की बात करेंगे तो करते जाएंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र TV, दिल्ली। और चमोली में लॉ कॉलेज गोपेश्वर में छात्र छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया। LLB के तीसरे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर परीक्षा रोकने की मांग उठाई है। राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य राजेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि विश्वविद्यालय ने अपनी मनमानी करते हुए बिना UGC के मानकों के आधार पर LLB के पेपर करवाए हैं। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था 30 तारीख को अंतिम एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर तारीख 30 सितंबर को हमारा जो हुआ था एग्ज़ाम वो अंतिम हुआ था। उसके बाद जो उसका जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट आना था दिसंबर महीने में, लेकिन वो रिजल्ट हमारा दिसंबर में ना आकर 7 जनवरी को आया गया, और वो रिजल्ट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का एक एक हफ्ते के अंतराल के अंदर खुला, जिस आधार पर हमें तृतीय सेमेस्टर में एडमिशन लेना था। जो हमारा एडमिशन होना था नवम्बर में वो हमें जनवरी में कराना पड़ा। अब खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.